जिस लोकतंत्र नूं अपनाउंदिआं लोकां ने वोटां पा के एक नुमाइंदा चुनिया होवे और उस नुमाइंदे ने लोकां दा इह मुल मोड़िया कि भरोसा भी तोड़िया और तुसीं हैरान हो कि पिछले चार सालां दे विच अनेक सैशन जिहड़े लोक सभा दे हो चुके और इन्हां ने साडे शख्सीतां ने बिल्कुल भी एक बार जरूरी नहीं समझिया कि उत्थे आ के लोक सभा गुरदासपुर की कोई गल करन। गदर 2 बनाने में व्यस्त बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। ये मांग खुद उनके संसदीय क्षेत्र के एक युवक ने की है। युवक ने इस संबंध में लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे पत्र में युवक ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद सनी देओल पिछले चार साल में एक बार भी अपने क्षेत्र में लौट कर नहीं आए हैं, जबकि क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि वे यहां की समस्याओं को दूर करेंगे और सदन में उनकी आवाज उठाएंगे। लेकिन समस्याओं को दूर करना तो दूर की बात है, वो एक बार भी वो सदन तक में हाजिर नहीं हुए। दोस्तों मैं सोच के हैरान सी कि पिछले चार साल हो गए सनी देओल गुरदासपुर तो जो मैंबर पार्लीमेंट हैं लोकसभा हल्के तो जिथे लोगों ने वड्डे लैवल पर वड्डे पैमाने पर वोटा पा के लोकसभा भेजा उतों भी गायब ने और इस इन्हों की लंबी गैरहाजरी के नाल गुरदासपुर का बहुत वड्डा नुकसान हो चुका। या तुसीं ये कह लो कि इन्हां दी नलायकियां करन 5 to 10 साल गुरदासपुर होर पिछे जड़ा उन्हूं उह धकेल दिता है। और मैं अज मजबूर हाँ फिर लोकसभा स्पीकर नूं एक पत्र लिखण लई। हाँ मैं दोबारा उन्हां नूं एक पत्र लिख रहा और मैं साफ साफ ये तुसीं अगर पत्र पढ़ोगे तो इत्थे मैं संखेप दे विच उन्हां नूं एक चानणा पाउण दी कोशिश कीती है कि गुरदासपुर दे की हालात हन, गुरदासपुर किस मुद्दों तों जूझ रहा और किहड़े मुद्दे जरूरी ने जिहड़े इस वेले हल करन दी लोड़, क्योंकि अजिहे लोकां ने सानू मजबूर कर दिता कि सानू प्रदर्शन करन तों लोकां ते सड़कां ते आउण लई सानू मजबूर कर दिता। गुरदासपुर दे हालात की ने, एक बार्डर इलाका जिला साडा गुरदासपुर जो भारत पाकिस्तान दे बॉर्डर ते स्थित है और इस जिले दे विच हर लोग पहलां तां एक देश भगती देखो उस लोकां दी कि जिहड़े हर वेले सीना तान के उत्थे बैठे ने कि जदों गोली उतों चलनी आ चाहे कोई इस तरह का भी उतों कोई हमलावर रुख कोई दुश्मन देश साडा इत्थे अपनाऊगा तो पहला साडे उस लोगों का नुकसान होगा, फिर वो कि दिल्ली तक कोई गल जानी है। और अजिहे लोगों नू मिल की रहा वा, सिर्फ इन्हों लारे लप्पे जड़े ने वो पिछले सालों तो मिलते आ रहे। सो मैं मजबूरन फिर एक लो जड़ा वा पत्र लिखन तो मैं मजबूर किया गया। हालांकि इस तो पहला भी मैं इन्हों पत्र लिख के अपने मानयोग श्री राष्ट्रपति जी नूं लोकसभा स्पीकर ते इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं मैं पत्र लिख के बार बार बेनती की सी भी इन्हां दी लोकसभा मैंबरी नूं तां सीधा जिहड़ी मैंबरशिप आ उह रद्द कर देनी चाहीदी आ, क्योंकि ये लोग इस योग ही नहीं हैगे कि जिथे लोगों का इन्हां ने वड्डा भरोसा तोड़िया। तुसीं लोकतंत्र करदे हो, जिस लोकतंत्र नूं अपनाउंदिआं लोकां ने वोटां पा के एक नुमाइंदा चुनिया होवे और उस नुमाइंदे ने लोगों का यह मुल मोड़िया कि भरोसा भी तोड़िया और तुसीं हैरान हो कि पिछले चार सालों के विच अनेक सैशन जिहड़े लोक सभा दे हो चुके हैं और इन्होंने साडे शख्सीतां ने बिल्कुल भी एक बार जरूरी नहीं समझिया कि उत्थे आ के लोक सभा गुरदासपुर की कोई गल कर ली। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले इस शख्स का नाम अमरजोत सिंह है जो गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी है। बता दें कि सनी देओल ने पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, उन्होंने 86,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस दौरान वे क्षेत्र में लोगों की परेशानियां जानने तक के लिए नहीं गए। इतना ही नहीं, जब देश भर में किसान आंदोलन अपने जोरों पर था तब भी सनी देओल ने किसानों के समर्थन में एक शब्द नहीं कहा।